स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। एक नया एआई टूल घातक हृदय धड़कन की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, उस टूल का नाम क्या है? एवी रेजनेट 50, बी ऑटो एमएल, सी डॉल्ई, डी स्पेक्ट्रम। आंसर, एवी रेजनेट 50। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने एआई का एक ऐसा नया टूल वीए रेजनेट 50 विकसित किया है जो 80% सटीकता के साथ किसी व्यक्ति में दिल की अनियमित धड़कन वेंट्रिकुलर एरिथमिया के खतरे की भविष्यवाणी कर सकता है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया एक ऐसी स्थिति है जहां दिल के निचले कक्षों वेंट्रिकल्स में अनियमित एक्टिविटी होती है। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे बेहोशी और अगर तुरंत इलाज न मिले तो अचानक मौत भी हो सकती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 का विषय क्या है? ए, अंतरिक्ष में प्रशिक्षण, बी, वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें, सी, अंतरिक्ष और उद्यमिता, डी, अंतरिक्ष और स्थिरता। आंसर, बी, वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। एक्सप्लेनेशन, प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ये दिन मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के संरक्षण को सुनिश्चित करने के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 का विषय वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें है। अगला प्रश्न, नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई सेवा और हाँ पोखरा के साथ साझेदारी की है? ए, अमेज़न पे, बी, गूगल पे, सी, फोन पे, डी, HDFC पेज़ैप। आंसर, सी, फोन पे। एक्सप्लेनेशन, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेपाल के फेवा नव वर्ष महोत्सव के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे, ए सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा ने साझेदारी की है। नेपाल के फेवा नव वर्ष महोत्सव 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाला कार्यक्रम है जो स्थानीय और भारतीय पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? ए, ICICI बैंक, बी, एक्सिस बैंक, सी, इंडियन ओवरसीज बैंक, डी, HDFC बैंक। आंसर, डी, HDFC बैंक। एक्सप्लेनेशन, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला भारत के निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में $375 मिलियन का समझौता किया है? ए, वियतनाम, बी, मलेशिया, सी, फिलीपींस, डी, मॉरिशस। आंसर, सी, फिलीपींस। एक्सप्लेनेशन, भारत और फिलीपींस ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बैच फिलीपींस को डिलीवर करने वाला है। इसके लिए फिलीपींस में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर लिया गया है। इस मिसाइल को फिलीपींस की नौसेना को सौंपा जाएगा। फिलीपींस इन दिनों दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का सामना कर रहा है। फिलीपींस इन मिसाइलों को चीन की ओर मुंह करके तैनात करने वाला है।